पीपली में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पूर्व प्रत्याशी थाने सर जजपा एवं सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन योगेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उन्हें भेंट किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योगेश शर्मा की अगुवाई में जजपा ज्वाइन की। लोगों ने पीपली को नगर परिषद में शामिल होने पर सरकार का धन्यवाद भी किया। योगेश शर्मा ने पीपली की विभिन्न गलियों का दौरा भी किया और लोगों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और जल्द ही इन समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। योगेश शर्मा ने कहा कि आज पीपली के लोगों ने जजपा को ज्वाइन किया, मैं उनका पार्टी में स्वागत करता हूं और सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनको सरकार के सामने रखकर उनका समाधान करवाया जाएगा। पीपली के लोगों ने सफाई को लेकर और पानी की निकासी को लेकर उन्हें समस्याएं बताई और कहा कि इन समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचाकर इनका समाधान करवा कर लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मानसून का सीजन आने वाला है और शहर में पानी की निकासी के लिए नगर परिषद की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ी सी बरसात होने पर सड़कों और गलियों में पानी इकट्ठा हो जाता है और ये पानी लोगों के घरों में जा घुसता है, जिससे आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को सरकार के सामने रखकर जल्द से जल्द समाधान करवाया जाएगा।